Good morning. And very, very happy birthday to people born on today's day. Happy anniversary to people who have their wedding anniversary today. So thank you very much for being in this session. So good morning and welcome. So how many of you are new? You are doing the magic book for the first time. Say me. If you are doing the magic book for the first time. I'm doing it for the first time. So thank you very much. I'm doing it for the first time, ma'am. I'm doing it for the first time, ma'am. And thank you very much for entering the field of magics, the world of magics, where you will be practicing different tools, techniques, formulas to bring the magics into your life. Magic is a get there. I'm doing it for the first time, ma'am. जो आप चाहते हो हो जाए, that's called the magic. I'm doing it for the first time. So thank you very much for doing it for the first time. So welcome. And कितने लोग इसको पहले कर चुके हैं और दोबारा आए हैं? First time. I've also done mine. Wonderful. So thank you for coming back. Welcome back. Why? Because जब तक है जहां या ना जब तक है जान तब तक आपकी इच्छाएं बनती रहेंगी. आपकी इच्छाएं बनती रहेंगी तो आपको पूरा करने के लिए अपने आप को वो कमाइयां करनी पड़ेंगी जिसको कमाने से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. तो वो क्या टेक्निक्स हैं, कौन से सपने, कौन से डिजायर्स अगर हैं. अच्छा कितने लोगों के सपने नहीं है यहाँ पर जो आ गए हैं भाई चंसली, परंतु नहीं हमारा कुछ खास डिजायर नहीं है, सपना नहीं है, ऐसा कोई सेमी कि मेरा कुछ खास इच्छा तो नहीं है, जरूरत भी नहीं है, पर मेरे को सुना था ये सेशन बड़ा अच्छा होता है, चलो मैं चल पड़ता हूँ. अगर कोई ऐसा आया तो जाके सो जाओ. गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. वापस आराम से सो चादर तान के, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है यहाँ आने का आपका. ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के आने का फायदा है, उन्हीं लोगों को आने का कोई लॉजिक है जिनके पास कोई ड्रीम है, कोई सपना है, कोई इच्छा है पूरी करने के लिए. ठीक है, तो अपनी इच्छाओं के साथ यहाँ आए हैं. कैसे कैसे उसको आगे हम बढ़ते बढ़ते उसको पेन डाउन करेंगे, समझेंगे उसको पूरा करने का तरीका और टू साइंस क्या होती है, टेक्निक क्या होती है. तो जो लोग पहले भी आ चुके हैं कोशिश कीजिएगा, ऐसे फील कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस बुक को कर रहे हैं और पूरा ध्यान लगा के करेंगे, समझ के करेंगे. जो भी प्रश्न होगा सेशन के एंड में आप पूछेंगे प्रश्न. अपने पास कॉपी पेन, ऐसे कोई भी कॉपी या पेन जरूर रखें ताकि कुछ पॉइंटर्स नोट करने हैं तो नोट कीजिएगा, बाद में काम आते हैं. और असाइनमेंट साइन में मिलेंगे वो नोट कीजिएगा, और कोई प्रश्न हो तो लिख लीजिएगा, एंड में पूछेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये मैजिकल जर्नी ऑफ द मैजिक, हाउ टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. ठीक है जी, तो YouTube पे भी लाइव है इस समय. शुक्राना फाउंडेशन के आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो लाइव चल रहा है वहां पर, जो क्योंकि यहाँ पर जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो वहां जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस नहीं है बिल्कुल भी वो भी वहां जा सकते हैं. तो कि नए लोग आ रहे होंगे तो जिनको आना है उनके लिए थोड़ी सीट्स खाली हो जाएंगी यहाँ पर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर कोऑपरेशन. लेट्स स्टार्ट टुडेज मैजिकल जर्नी. कोशिश करेंगे हिंदी में स्टार्ट करने की. ठीक है, अगर बीच में हमें लगे इंग्लिश के अंदर भी नोट करना है तो ले आएंगे इंग्लिश के चैप्टर्स भी, पर आई होप इंग्लिश हिंदी सबको समझ आती हो. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी. और एक घंटे का ही सेशन है तो लेट्स स्टार्ट. आप बोलेंगे लेट्स स्टार्ट, हाँ बिकॉज टाइम लिमिटेड है इसके अंदर ना, तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं. प्रश्न जो भी हो पूछेंगे आप एंड में. तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग ऑडियो के साथ. वन सेकेंड, तो साथ साथ आप भी पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ इस समय. जो रीडर पढ़ रहा है तो मैं भी म्यूट पे साथ साथ पढ़ूंगी. तो बुक जब चल रही होगी याद रखिएगा तीन तरह से आप पार्टिसिपेट करेंगे. आई होप एनी एक मिनट आइएगा, एनी इसकी ऑडियो आ जाए. तो आप तीन तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, आप देखेंगे जो भी सामने लिखा हुआ उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे, अपने आप से बोलेंगे. और जो आप बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाई देना चाहिए. दिस इज मेरे ख्याल से मैंने शेयर करते हुए वो नहीं किया. हाँ
तो एक बार चेक कर ली. तो आई रिपीट, जब भी सेशन चलेगा जो सामने रीडर पढ़ रहा होगा वो आप भी बुक में देखते देखते साथ साथ पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे जो आप बोल रहे हो उसको सुनेंगे, ठीक है. इससे क्या होगा, इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल रीच. आपके न्यूरो सिस्टम के अंदर मल्टी डायमेंशनल रीच को होना बहुत जरूरी है. और एंड में कुछ भी प्रश्न होगा तो पूछेंगे, ठीक है जी. स्टार्ट करते हैं. वाहिगुरु वाहिगुरु. What is that? It's a joke. It's some other audio. Actually, ये audio वाला system आज हम पहली बार कर रहे हैं, नहीं तो live readers ही होते हैं हमेशा हमारे साथ. तो live readers को हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर खत्म करना होगा chapter. So I need to have a time जो इसमें यहाँ पे दिख जाए मुझको कितना बचा है. तो आज हम day zero पे हैं. Day zero को हम दो दिनों में divide करेंगे क्योंकि काफी बड़ा chapter है day zero. डे वन टू थ्री फोर करते हो वो एक एक दिन में हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है जी. सो डे जीरो से हम स्टार्ट करते हैं. क्या हुआ, तो चेतना ने कोई स्पेल किया हुआ है यहाँ पर शायद. अंजलि की हिंदी ऑडियो चल नहीं पाई. चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं. पहला दिन में जीरो दिन जादू. कितने लोगों को ये जादू क्लियर दिख रहा है सामने, से यस आपको जादू दिख रहा है. मैनी जादू से यस. Just write down yes, okay. So there was a connection failure. Start करते हैं. जब भी हम मेरे through magic book start होती है, शुरू में बड़े test होते हैं, ठीक है. कायनात test लेना चाहती है कि आश्विन इस बार कितना लग के करवाएगी. So start करते हैं जादू. So जादू means magic. एक ऐसी दुनिया जहाँ पर चमत्कारों की दुनिया होती है. जो जो आप चाहते हो वो सब पूरा होना शुरू हो जाता है. कैसे, आगे बढ़ते बढ़ते सीखेंगे. Let's start. In progress. जादू रोंडा बर्न द्वारा. सो वी रियली थैंक रोंडा बर्न द ऑथर ऑफ दिस बुक. दिस इज द बुक गोइंग ऑन. इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. द एमराल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व. तो बुक जो बता रही है आपको कि ये बुक के थ्रू, बुक में पढ़ी हुई बातों के थ्रू, उसकी प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या होगा, आप संसार का सारा जादू अपने लिए हासिल कर सकते हो, ठीक है. पर कैसे, इसके रिडल्स को समझ के. और ये समर्पित है किस चीज को. समर्पण. काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे. यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ. मैं भी. से आभार. जब मैं पहले पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चौलो रे की तर्ज पर शुरू होता है. तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है. फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है. निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत. तो इस समय रोंडा बर्न जो ऑथर है इस बुक की, वो एक्नॉलेज कर रही है, आभार कर रही है उन लोगों का जिनकी वजह से बुक वो लिख पाई, छाप पाई, लोगों तक पहुंचा पाई. तो आप भी अपने अपनी जिंदगी में साथ साथ देखते रहे, आप जिंदगी में जो भी बन पाए, जहां भी पहुंच पाए, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी गृहस्थी में. कई बार हम भार करना भूल जाते हैं. तो जो भी पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं जो पहले मैजिक बुक कर चुके हैं, आपके लिए एक होमवर्क चलेगा इस पूरी 30 दिनों की प्रैक्टिस में. हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लेकर सेशन में से बाहर आएंगे असाइनमेंट के साथ साथ, जिसके लिए आपको अपनी जिंदगी में एक्नॉलेजमेंट या ग्रेटिट्यूड को करना है. तो आज हम देखेंगे कहाँ कहाँ.
ठीक है, तो अभी अगर हमने मैजिक बुक शुरू करी है तो उन सब पार्टिसिपेंट्स का आभार जो इस मैजिक बुक को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी जिंदगी में जादू को लाने के लिए, पूरी तरह से कमिटेड होते हैं, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। उन सब लोगों को थैंक यू जो सपने देखते हैं इस दुनिया में, जहाँ रोज 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 की आपाधापी में कई बार हम अपने आप को, अपने अंदर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं, हम अपने आप के सपनों को तवज्जो देना भूल जाते हैं, या कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं दुनिया के बातों से, दुनिया के हालातों से, कि हम अपने सपनों को टूटते टूटते देखकर एंड में सपनों को बस देखना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे हालातों के अंदर भी आपने अपने लिए ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर किया कि आपने अपने सपनों को जिंदा रखा, सपनों के लिए यहाँ तक पहुंचे और उसको पूरा करने के लिए एक महीने की कमिटमेंट अपने आप को दे रहे हैं। तो उन सभी कमिटेड ड्रीमर्स को बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी में हमारे साथ आने के लिए और इस जर्नी को एक अभूतपूर्व, एक बहुत ही नई शेयरिंग से भरने के लिए। अभी क्या क्या होने वाला है वो तो हफ्ते के अंदर आपको दिखेगा। जो जो प्रैक्टिस करेगा, जो जो अपने आप में सिर्फ एक चीज लेके आएगा जिसका काम नाम है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड, यानी एक्नॉलेजमेंट, क्या जादू होगा वो हम देखते हैं हफ्ते के अंदर, पर शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को, उनकी कुशल संपादक नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर मैं भी बहुत बहुत थैंक यू। ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शंस के लिए कोजर मीडिया के शेमस होर और काला थांडन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कैर को, जो हमारी विरार सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को। जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनके प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्को कॉनर, माइक गार्डनर, लोरी शेरापोव, कोरी जैनसिंग, चाय ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमा एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन। तो इस समय आप देख रहे हैं कि उन्होंने जिन जिन के साथ भी काम किया, जिन्होंने इस बुक को बनाने में उनको हेल्प किया, उनके लिए वो दिल से शुक्रगुजार हैं। तो जैसे कि मैं एनी की शुक्रगुजार हूँ, जो भाग भाग के इस समय सारे सिस्टम्स मेंटेन करती है। अरविंद जी की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने बिजनेस, अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल कर हमारे इस काम को बहुत सपोर्ट करते हैं और अब तो पूरी तरह से इसमें जुड़ चुके हैं। मैं राजन जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से काम एक छोटे से काम को फैलाने में और बहुत बहुत वायरल, बहुत दूर तक ले जाने के लिए, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी और साथ जुड़े रहे और अभी भी, मतलब ही इज द मेन लीडर जो कि लोगों की जिंदगियों में खुशियां, पॉजिटिविटी पहुंचाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं। सो राजन जी का शुक्रिया, सारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया जो डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नाम है, तो बहुत सारे नाम है, मतलब मैं नाम लेने लगूं तो शायद 200 नाम होंगे जो कई बार दिमाग में आते हैं। तो उन सबका शुक्रिया जिसकी वजह से ये मैजिक बुक, एक छोटी सी जो हमने शुरुआत करी थी लॉकडाउन के पीरियड में, वो आज बढ़ते बढ़ते इतने जगहों पे वॉलंटियर्स लीड कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनजीओस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ऐसे ऑनलाइन के अंदर, और लोगों की जिंदगियों में कहीं तरह से पहुंचकर जादू को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया। आपके बिना ये काम, मतलब बिना क्या, आपके साथ ही ये काम जिंदा है
और आपके साथ ही आगे भी जिंदा रहेगा। और धीरे धीरे जो हमारा हमारा सपना है, मेरा सपना है रादर, कि इस देश में, इस धरती पे करोड़ों लोगों तक ये जादू पहुंचे, उस सपने को भी जिंदा रखने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो ट्विजने फैन, जेम्स पर्विन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और आइसॉल सॉर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। विषय सूची, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? Okay, so right now we are really thankful for everything, for our body parts. हमारे पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, दिमाग भी है इस समय सोचने के लिए। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है इस समय, so thank yourself. कुछ seconds लें अपनी आंखों को thank you बोलने के लिए, अपने कानों को thank you बोलने के लिए, अपने दिमाग को जो सोच पाता है उसको thank you बोलने के लिए, आपके हाथ जो notes बना रहे हैं, आपकी उंगलियां जो काम कर रही हैं, उन सबको thank you बोलने के लिए, जो जो आपके शरीर, आपके मस्तिष्क के पार्ट, हृदय का पार्ट ठीक काम कर रहा है इस समय, उन सबको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि ये आगे बढ़ते बढ़ते दिल और दिमाग की दुनिया है, दोनों मिलके काम करेंगे। और ये शरीर है जो हमारे को बाहर की दुनिया से जोड़ता है, इस शरीर का भी थैंक यू। तो साथ साथ में इसकी लिस्ट बनाते जाएं जिसके लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करेंगे आज शाम को और अर्ली मॉर्निंग में। तो ये सब जो वॉलंटियर्स और एनी की टीम है, तो उनके लिए ये पॉइंटर्स हैं। सो कीप नोटिंग दैट, जो फ्रेशर्स हैं आपके पास चॉइस है ज्वाइन करें या ना करें, पर दिन भर में अपने लिए थोड़ा सोचिए जरूर, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते ये जो विषय सूची है आपके अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डेप्थ में आपको लेके जाएगी जादू की दुनिया में। तो विषय सूची मतलब अगले 30 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं, ध्यान से पढ़ें। रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना, एक जादुई पुस्तक, पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, जादुई धन, जादू की तरह काम करना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, जादुई तत्व, धन का चुंबक, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई सुबह, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, अपने दिन को जादुई बनाएं, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक चेक। जादुई कार्य सूची, जादुई कदम, हृदय का जादू। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इस समय बुक आपको डिटेलिंग कर रही है कि क्या क्या टॉपिक्स, पैसों का टॉपिक, कितने लोगों को पैसों की दुनिया में जादू चाहिए, यू वॉन्ट वंडर्स मैजिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ मनी, कुछ लोगों रिश्ते बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, मम्मी पापा के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ, आपके कहीं पर रिश्तों में आपको लगता है कि कुछ ऐसा चाहिए आपको जो अभी नहीं हो पा रहा। कई लोगों की हेल्थ में ब्रेकडाउन्स होते हैं, वेट में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन में बहुत प्रॉब्लम है, पिंपल्स आते हैं, रिंकल्स आ गए हैं, या आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल मतलब बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है कई बार जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, या डॉक्टर कहते हैं हम हार मान गए हैं। डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत से यहाँ मिले असाइनमेंट्स को करने वाले हो, और कोई भी जादू पॉसिबल है, कोई भी। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि लोगों ने ऐसे ऐसी शेयरिंग्स करे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे कर्जों की दुनिया से बाहर आए हैं, कैसे अपने मनपसंद घर खरीदे हैं, कैसे उन्होंने अपने रिश्तों में जो 13-13 साल से रिश्ते डेड हो गए थे उन रिश्तों में जान आ गई है, फल फूल रहे हैं वो रिश्ते। कितने लोगों की शादियां जो नहीं हो पा रही थी शादियां हुई, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे बच्चे पैदा हुए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग्स करी है। तो आपकी जिंदगी में जो जादू आपको चाहिए उसके लिए आप तैयार रहें, और ये सिर्फ बुक पढ़ने से सुनने से नहीं होगा, असाइनमेंट्स करने से होगा। सब ये याद रखिएगा, द की टू द मैजिक वर्ल्ड इज इन असाइनमेंट्स। आप कितनी शिद्दत से
अपने दिन में कितना ज्यादा टाइम देते हैं उन असाइनमेंट्स को और कितने क्वालिटी के साथ, मतलब कि सच में मन से दिल से करते हैं उस असाइनमेंट को, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द असाइनमेंट, दैट इज द की टू द मैजिक वर्ल्ड। परंतु अभी इसके टॉपिक्स का पूरे पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, 13वां दिन होता है जहाँ पे हम आपके सपनों के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, 13वां दिन। उससे पहले ज्यादा सपने 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 इच्छा 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 के पीछे बातें मत करना। तब तक हम कमाइयां करेंगे क्या? कभी कुछ खरीदने जाते हो तो पैसे होने चाहिए ना पास में। वैसे ही जब आप इस ब्रह्मांड की दुनिया में सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हो तो आपके पास शुक्रानों की यानी कि ग्रैटिट्यूड की कमाइयां होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। पढ़ते हैं आगे। बेहतरीन परिणाम आपकी नजरों के ठीक सामने, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादुई संकेत समझें, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। ये टॉपिक्स थे। अब हम इसकी जीरो, डे जीरो पे स्टार्ट करते हैं, यानी इसकी जो बेस फाउंडेशन है वो क्या है। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये शब्द कहे हैं लेखक रॉल्ड डाल ने। ये याद रखिएगा, जो जो लोग बिलीव करते हैं किसी भी जादू में, जादू क्या किसे कहते हैं, मतलब किसी भी मैजिक में, शक्ति में, उनको जादू मिल जाता है, पर जो लोग बिलीव ही नहीं करते उनको नहीं मिलता। ये पहले से, पहले दिन से क्लियर रखें। तो आप में से कितने लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, मतलब थोड़ा क्लियर रहते हैं ना, ताकि मैं पहले से क्लैरिटी कर दूं। इफ यू बिलीव इन मैजिक्स इट विल अपियर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक्स इट विल नेवर अपियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये इस तरह का एक दुनिया होती है। तो आई होप आप सब लोग यकीन करते हैं कि हाँ, चमत्कार होते हैं, जादू होते हैं, है ना, बदलाव आते हैं, और कितनी जल्दी और कितनी कितने विशाल रूप में आते हैं ये सब डिपेंड करता है आपकी जादू की शक्ति के ऊपर। तो वो शक्ति क्या है, जादू क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते प्रैक्टिस करेंगे। आज हम प्रीफेस में है तो चुपचाप बस इसको सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे, जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांचक व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। तो आपको, जैसे अगर आप बचपन में कभी पीछे जाएं, just go back into your childhood, तो कितने लोगों को याद होगा कि आप अपना खेलते थे या तितलियों के पीछे भागते थे, जुगनुओं को देखकर आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते थे। आपको अपने बचपन की कोई ऐसी मेमोरी याद हो तो राइट डाउन कि क्या चीज देखकर आपको बहुत चमत्कारी लगता था। मतलब मेरे को तो एक स्पाइडरमैन बहुत चमत्कारी लगता था, सीरियल आता था ना उसमें स्पाइडरमैन, तो बचपन में तो मुझे स्पाइडरमैन, ही मैन आता था शेर पे बैठकर। तो मतलब ये सब चीजें लगता था कि सच में होती है, ही मैन होता है, स्पाइडरमैन होता है। अच्छा, आप अगर कहीं पे अगर फूल दिख रहे हैं या बादलों में प्रिंट आते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, होता है ना, कभी बादलों के अंदर आपको टेडी बियर दिखता है कभी, तो बचपन में लगता था सब कुछ असली है, शायद ये परियां असली होती हैं। जब दांत टूट जाता था तो पिल्लों के नीचे रखते थे कि रात को परी आएगी, दांत लेके जाएगी, फिर नया दांत आएगा हमारा,
है ना, हर समय ऐसा लगता था कुछ कुछ चीजें। अच्छा मेरे को तो लक्ष्मी माता भी असली लगती थी, असली मतलब है वो, पर जैसे दिवाली पे कहते हैं ना, दिवाली पे घर को सजाओ, रात को ऐसे सजा के रखो, रात को लक्ष्मी माता आती है, तो मैं तो सारी रात लक्ष्मी माता के इंतजार में बैठती थी कि अभी लक्ष्मी माता आएंगी, अभी लक्ष्मी माता आएंगी। और हमारे वो जहाँ पे हम पूजा करते हैं ना, वो मिठाई रखते थे या कुछ कुछ ऐसे सजा के रखते थे, तो लक्ष्मी माता खाने आएंगी, तो मैं सोती ही नहीं थी पूरी पूरी रात लक्ष्मी माता के इंतजार में। आपने ऐसा कुछ किया? ये सब कहानियां, ये सब चीजें लगता था सच है बचपन में, और बहुत ही प्यारी दुनिया होती थी वो। मेरे को याद है एनी के पास एक ब्लैंकेट होता था, मतलब चीजें खिलौने बच्चों को असली लगती थी, तो वो ब्लैंकी कहती थी उसको, तो वो ब्लैंकी से हर समय बातें करती थी, ब्लैंकी को हमेशा इवन गर्मियों के दिनों में भी उस ब्लैंकी को लिपट के रखती थी अपने साथ, छोटा सा उसका बहुत ही मुलायम सा ब्लैंकेट था। तो आपने कभी देखा है ऐसे करते हुए अपने आप को या बच्चों को? और हमें लगता है कि सब कुछ सच है। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में भी कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोगों ने जिन्होंने पहले कभी मैजिक बुक की है, तो उन्होंने नोट किया कि जो जो चीजें उनकी लाइफ में हुई वो मतलब अनबिलीवेबल तरीके से हुई, जो जो रास्ते बने, जैसे जैसे भी चीजें पूरी होने लगी, तो मतलब जस्ट राइट डाउन अनबिलीवेबल, मतलब कि वो हमें भी नहीं समझ आता कि वो रास्ते बनते कैसे हैं, वो चीज पूरी कैसे होती है, पर वो हो जाती है ना। जो भी एनवायरनमेंट में लोग हमें मिलते हैं, हालात बनते हैं, तो वो कुछ भी करके, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, हम सिर्फ अपने प्रत्यक्ष प्रमाणों के ऊपर बिलीव करते हैं, पर जो जादू होते हैं वो इनविजिबल रेल्म में होते हैं, अदृश्य जगत में होते हैं। अदृश्य मतलब कुछ चीजें जो हमारी आंखों को दिखती हैं, कुछ चीजें जो हमारी आंखों को नहीं दिखती, कुछ चीजें जो हमारी कानों को सुनाई देती हैं, कुछ चीजें जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी के घर में डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, तो अगर आपने कभी डॉग विसल सुनी होगी, सुनिए कभी डॉग विसल। डॉग विसल होता है कि जो जिसे ट्रेनर होता है वो डॉग विसल के थ्रू कुत्ते को ट्रेन करता है, नोट कभी ध्यान दीजिए। तो डॉग विसल जब बजती है तो कुत्ता सुन के भागता हुआ आ जाता है, पर वो आपको सुनाई नहीं देती। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटेड इट, कि जिन्होंने कभी डॉग विसल देखी है या सुनी है, कि डॉग विसल इंसानों को सुनाई नहीं देती पर कुत्ते को सुनाई देती है। तो यानी कि कुछ तो ऐसा है ना जो हमें सुनाई नहीं दे रहा पर उसको सुनाई दे रहा है। उसी तरह से बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, हमें सुनाई नहीं दे रहा पर वो है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड द इनविजिबल रेल्म, और जादू हमेशा इनविजिबल रेल्म में होते हैं, मैजिक्स। परंतु आप मैजिक्स की दुनिया में एंटर करने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है, दैट्स कॉल्ड लॉजिक्स। लॉजिक्स will actually disturb you or hamper you to enter the world of magics if you have not cleared it before.
अगर आप पहले ही अपने लॉजिक्स को सारा क्लियर कर लेंगे लॉजिकली, ओके, तो उसके बाद जब मैजिक्स की दुनिया शुरू होगी तो आप सिर्फ बस बैठ के मजे लीजिए जब काम हो रहे होंगे। परंतु वो होंगे कैसे, मैजिक्स में वो काम होंगे कैसे, इसको लॉजिकली समझने के लिए इन चैप्टर्स में थोड़े जग के बैठिएगा। ये नहीं कि कोई बाहर से आएगा करके चला जाएगा आपका काम, नहीं, वो जो बाहर से आएगा करके चला जाएगा उसको करवाने के लिए भी आपको लॉजिकली कुछ 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 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे लॉजिक्स को, फिर हम एंटर करेंगे मैजिक्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा जाग के बैठेंगे जब हम चैप्टर्स असाइनमेंट की बातें करेंगे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, डू इट प्रॉपरली एंड गेट रेडी टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक्स। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ओके, सो यहाँ पे जो हम बातें करने वाले हैं आगे कुछ बढ़ते बढ़ते चैप्टर्स में, ये ध्यान, अगर आपने कभी गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े हैं, भागवत गीता जी पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, स्मृतियां पढ़ी हैं, शिव पुराण पढ़ा है, या जितने भी ये बहुत ही महान ग्रंथ हैं, कितने लोगों ने पूरा पूरा ग्रंथ पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब पर ध्यान से पढ़ा है, लग के पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिसेस को लग के करी हैं। तो आप जिन्होंने किया है उनको पता चलेगा कि यहाँ पर उन्हीं उन्हीं ये जितनी ये बुक है जो मैजिक बुक है, ये उन्हीं ग्रंथों का समझो साइनोप्सिस है, यानी कि उन्हीं में से ही कुछ 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 चीजें जो परफेक्टली प्रॉपरली अगर आप प्रैक्टिस करो तो जादू बहुत जल्दी होगा। तो आप में हो सकता है किसी लाइन को पढ़ के आपको लगे अरे ये तो भागवत गीता में भी सेम बात बोली गई है, अरे ये तो मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी में भी सेम बात बोली गई है, आपको ये लग सकता है आगे बढ़ते बढ़ते बाइबल में कुरान में, क्यों, क्योंकि जो वहां पे बातें बोली गई है उन्हीं को ही बहुत ईजी भाषा में, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, ताकि एक बच्चा भी समझ जाए, वो यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, तो ये सारे की सारी बुक इंस्पायर्ड कि न किसी धर्म ग्रंथ से ही है। तो पर इसका असर बहुत जल्दी होगा क्योंकि हम लोग कई बार अपने धर्म ग्रंथों को इतनी वैल्यू, जैसे भागवत गीता, हाँ मतलब भरा पड़ा है जादू से, भरा पड़ा है, पर हम लोगों में से कितनों के पास टाइम है ना उसकी ओरिजिनल प्रति को हम पढ़ें, समझें, उसको लाइफ में अप्लाई करें, नहीं होता हमसे, है ना, बिजी इतने ज्यादा हैं हम लोग। और इस बुक का ये बहुत फायदा है मैजिक बुक का कि सबके सब का निचोड़ इसके अंदर है, निचोड़ है ना, सबका जूस है, और असाइनमेंट्स के थ्रू वो हमारी लाइफ में उसको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। सिर्फ यहाँ पर बैठ के सिर्फ ज्ञानबाजी नहीं होगी या सिर्फ चलो बातें कर ली, नहीं, मेन काम आपका प्रैक्टिस का है जो असाइनमेंट्स के थ्रू आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें सारा सारा जादू उसमें छुपा है। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है और वो है कृतज्ञता। तो अभी इस बुक में एक बहुत कमाल की बात है जो हमने पिछले कुछ सालों से समझी है। क्या ये बुक ना रिडल्स में लिखी हुई है? वैसे तो सारे धर्म ग्रंथ भी रिडल्स में ही होते हैं। रिडल्स मतलब पहेलियों में होते हैं, यानी कि जो सामने आपको दिख रहा है ना वो तो दिख ही रहा है, पर जो उसका असली जूस है, असली मर्म है, असली खजाना है, वो उसके पीछे छुपा हुआ है। अब जो पीछे छुपा होता है तो वो कैसे पता चले हमको? हाँ मतलब कैसे पता चले? कभी आपने देखा होगा बुक के पीछे लिखा होता है कि ये बुक फलानी पब्लिकेशन ने प्रकाशित करी है। कभी ध्यान किया आपने प्रकाशित वर्ड? कितने लोगों ने सुना है कि हाँ ये वाली बुक प्रकाशित हुई है या इस पब्लिकेशन ने प्रकाशित करी है? तो बुक्स ना हमेशा प्रकाशित होती है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। प्रकाशित
आप बोलेंगे प्रकाशित, मतलब बुक में प्रकाश है? नहीं, बुक तो प्रकाशित ही है, पर वो आपकी रोशनी के हिसाब से अपनी रोशनी प्रकट करेगी हर बुक। कमाल की बात होती है, और जो मैंने पिछले कई सालों में इसका अनुभव किया है, यानी कि आप किस श्रद्धा से, किस शिद्दत से, कितने अनुभव के साथ उस लाइन को पढ़ रहे हो, वो उतनी ही रोशनी आपकी तरफ प्रकाशित करेगी। अब जो जो लोग पहले मैजिक बुक पढ़ चुके हैं, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी और जब सेकंड टाइम पढ़ी थी या थर्ड टाइम पढ़ी थी, तो क्या आपको फर्क पता चला था? कि आपने जितनी बार भी, यानी कि पहली बार पढ़ी थी तो आपको जो समझ आया था वही दूसरी बार में समझ आया था? ऐसा हुआ था कि जब आपने दूसरी बार पढ़ी तो आपको कुछ अलग समझ आया बुक में? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि बुक आपको दूसरी बार पढ़ने में अलग से समझ आई, थर्ड टाइम पढ़ी तो कुछ और समझ आया जो पहले नहीं दिखा था आपको, आपको वो भी दिख गया, या पहले सुना नहीं था वो सुनाई दे गया? तो क्यों? क्योंकि आपका कितना शिद्दत है, इन्वॉल्वमेंट है, कितनी निष्ठा है, आस्था है, आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ इस बुक में आए हो, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ ये बुक आपको लाइटन अप करेगी। पॉजिटिविटी को लाइटन अप कहते हैं, ठीक है? आगे पढ़ते पढ़ते हम और समझेंगे। तो रिडल्स की दुनिया है, जो सो गया वो सोया रह जाएगा, जो जागेगा वो बूझ लेगा अपनी जिंदगी की पहेलियों को। तो बूझने के लिए जो जो तैयार है आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड क्या है जो इसमें छुपा हुआ है, जो इस पूरी बुक के अंदर जो हमारे को जादू की तरफ लेके जाएगा? कृतज्ञता, यानी कि थैंक यू, यानी कि ग्रेटिट्यूड, यानी कि ग्रेटफुलनेस, आभार। ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिसने मेरी जिंदगी पलट के रख दी, पलट के, मैं ये नहीं कहूंगी बदल के, पलट के रख दी इसने पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर। मैं कहां थी और आज मैं कहां पहुंच गई हूं, मतलब कई बार सोच के भी लगता है कि जितने भी वर्ड्स बोल पाऊं, शायद आभार प्रकट करना इस जिंदगी के अंदर भी अगर पूरा कर पाऊं इस बुक का, तो कम है। इस बुक ने जो मुझे दिया, मैजिक बुक ने, और जहां मेरे को पहुंचाया, सो थैंक यू वेरी मच। हर रोज सुबह शाम हर सांस सांस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक को लिखने वालों का, इस बुक को बार बार पढ़ने वालों का, इस बुक पे अपनी आस्था बनाए रखने वालों का। और ये बुक आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, उतनी बार आपकी प्रैक्टिस आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगी। ये मेरा और आपका, मतलब मेरा वादा है और इस बुक की भी गारंटी है। मैं भी आज ना जाने कितनी बार पढ़ चुकी हूँ और दोबारा आई हूँ, पर मुझे पता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरे सपनों से भी बाहर का है। तो देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, पर वर्ड क्या है? कृतज्ञता, जो लेके जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये वाला हमेशा याद रखना, अगर हम कृतज्ञता नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे होते हैं जनरली? हम थैंकलेस हो रहे होते हैं या कंप्लेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास हो सकता है, आपके, सपोज आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड है, आप कह रहे होगे कि यार ये आदमी तो मेरी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अब आप ये सुनता नहीं है, ये क्या होता है? ये होता है कंप्लेंट, यस नो मे बी, ये तो सुनता ही नहीं है, ये बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? कंप्लेंट। अब जितनी बार कंप्लेंट करोगे, यानी कि अकृतज्ञ होगे, उतनी बार जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अगर आपके बच्चे आपकी 100 बातों में से एक बात सुनते हैं और आप उसके लिए कृतज्ञ हो, वाओ मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, चलो उन्होंने एक बात सुनी आपकी, पर आपने कहा वाओ आई एम सो थैंकफुल टू माय चिल्ड्रन फॉर लिसनिंग टू मी। अब आपने अगर ये किया तो आपको और लिसनिंग मिलेगी, और ज्यादा वो बच्चे आपको सुनेंगे, आपको और दिया जाएगा। समझ पा रहे? तो जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो उसके पास उस चीज की अबंडेंस होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि अगर बच्चे आज एक बात सुन रहे हैं, परंतु आप अभी भी कंप्लेनिंग हो, धीरे धीरे पता चलेगा बच्चे आपकी एक बात भी सुनना बंद कर देंगे, यानी कि वो भी आपसे ले लिया गया। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का? कि कृतज्ञता ही वो जादुई सीढ़ी है जिसके ऊपर पैर रखते 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 आप अपने मनमाफिक जगह पे पहुंचोगे। और जितनी बार भी आप कंप्लेंट करोगे या आप अकृतज्ञ होगे, उतना ही आप अपनी मनचाही चीज से दूर 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 होते चले जाओगे। तो कितने लोगों को आज दिखा ये कि आप अक्सर अपने बॉस की, पैसों की, नौकरी की, बीवी की, पति की कंप्लेंट कर देते हो, जाने या अनजाने आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो थैंकफुल तो नहीं है, जो कंप्लेनिंग के जोन में है, और फिर वो चीज और बदतर 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 होती चली जाती है। तो उसके बारे में क्या करना है आगे पढ़ेंगे।
ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। और ये जो बातें हम कर रहे हैं, चाहे आप कुरान पढ़े, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े, चाहे गीता पढ़े, मतलब आई एम राइट नाउ ड्वेलिंग इनटू गुरु ग्रंथ साहब जी वेरी डीपली, एंड सेम डिट्टो बात उसमें भी है। वो हर बात पे कहते हैं गुणगान करो, महिमा करो। कभी सुना है वर्ड्स आपने, गुणगान करो, महिमा करो? मतलब ये वर्ड्स कभी आपने सुना होगा। क्यों करो? क्योंकि जितना हम वाव करते हैं किसी चीज का, जितना हम कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, उतनी वो चीज हमारे तरफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बढ़ती है। और जितना हम हाई हाई करते हैं फिर हाई हाई वाली चीजें अट्रैक्ट होंगी। जिसमें आप और हाई हाई करोगे तो चॉइस क्या है, या तो वाह वाह कर लो या हाई हाई कर लो, और दोनों के अपने अपने रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारे सारे ग्रंथ भी यही बोलते हैं और यही मैजिक बुक आगे बढ़ते बढ़ते हमें प्रैक्टिस में सिखाएगी। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। तो इस समय हम लॉजिक्स की दुनिया को थोड़ा क्लियर करेंगे। एवरीवन थोड़ा स्ट्रेट होके अलर्ट होके बैठिए। इससे हम इस समय जो हम कर रहे हैं वो क्या है, यूनिवर्स के रूल के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि का नियम है, क्या है नियम? किसे कहते हैं? जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, है ना। अब जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप मानो चाहे ना मानो, पर लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम कर रहा है। कोई भी चीज अगर तीसरी मंजिल से गिरेगी तो नीचे की तरफ ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये बोलती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लॉज की बातें हो रही हैं। तो अगर आपको लॉजिकली कोई भी क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड तो प्लीज एंड में जरूर पूछिएगा। पर याद रखिएगा यहाँ पे हम जो भी बातचीत करेंगे 13 चैप्टर तक, प्लीज ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 13 तक हम सिर्फ बुक की बातें, बुक की प्रैक्टिस की बातें, बुक में लिखी लाइन को डिटेलिंग करने की बातें, या क्वेश्चंस जो कि असाइनमेंट से रिलेटेड हो, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में कहाँ अप्लाई करना है, ये आपको चैप्टर 13 के बाद अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तब तक बस सजग होकर पढ़िए कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, यहाँ पर लॉजिक मेरे पास पर्याप्त के हिसाब से हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चलता है? सोचते हैं, महसूस करते हैं। आप जो भी सोच रहे हैं इस समय, अगर आप सोच रहे हैं कि वाओ मैं कितना लकी हूँ, मेरी जिंदगी में मैजिक बुक आई है, नए सिरे से मैं करूंगा और इस बार तो कमाल होने वाला है मेरी जिंदगी में, अगर आप ये सोच रहे हैं और उस कमाल को महसूस कर रहे हैं तो आप वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हो यार कई बार कर ली मैजिक बुक, मेरा तो सबकी जिंदगी में कुछ कुछ होता रहता है, बढ़िया, मेरी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है, यानी कि आप क्या है, रिजाइंड है, यानी कि आप क्या है, नेगेटिव है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता तो फिर वही होगा, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। क्या कुछ नहीं तो अट्रैक्ट क्या करेंगे आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब समान ही समान चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर समान क्या? आपकी सोच और फीलिंग, ध्यान रखिएगा इस बात को,
इस समय आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, यही आपके फ्यूचर के अंदर वैसी चीजों को, वैसे हालातों को और अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम धीरे धीरे आपको सब सिखाएंगे, ओके? कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको इस समय ऐसा फील करना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कैसे फील करोगे, वो तो है ही नहीं। तो हम पास्ट में जाएंगे जब थोड़े बहुत पैसे थे कभी आपके पास, प्रेजेंट में आएंगे जितने भी पैसे हैं, चाहे आपको 5,000 की जरूरत है पर जेब में 5 रुपए है, तो उस 5 रुपए के लिए भी कैसे आपको कृतज्ञ होना है, वाव करना है, वाह वाह करना है, थैंक यू करना है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप पैसे के लिए कृतज्ञ हो तो फ्यूचर में आपके पास और पैसे आएंगे और कृतज्ञता करोगे, और जब तक आप जिंदगी में कृतज्ञता करते रहोगे आप और उस चीज का अट्रैक्ट करते रहोगे अपनी लाइफ में। कितने लोगों ने ये इसको प्रैक्टिस के थ्रू देखा कि जहां जहां आप पहले बहुत ही बुरी स्केयरसिटी की हालत में थे, चाहे हेल्थ में, रिश्तों में, पैसों में, पर आपने जैसे जैसे अपनी कृतज्ञता की स्पीड बढ़ाई, क्वांटिटी बढ़ाई, क्वालिटी बढ़ाई, आपके जिंदगी में जादुओं की क्वांटिटी बढ़ती चली गई। और ये ऐसी देखिए जैसे ये एक ऐसी चीज है कि जिस दिन आप प्रैक्टिस छोड़ोगे तो ये जादू अपीयर होना भी बंद हो जाएंगे, ये भी मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है? तो प्रैक्टिस जितना करते रहोगे जिंदगी में, देखिए इच्छाएं तो अच्छी चीज होती है ना, है ना? इच्छा करना, जरूरत को अपना पूरी करवाना है तो अच्छी चीज है, ताकि आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाओ। तो इस प्रैक्टिस को निरंतर डीपली कैसे करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना है इसके लिए, तो और इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती, जो आप दिन भर में कर रहे हो उसके साथ अटैच करके भी आप, जैसे आप टॉयलेट जा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, हाँ चल रहे हो, तो कैसे हम 13 दिन में सीखेंगे कि अपने रोजमर्रा में ही इस प्रैक्टिस को कैसे आप इनग्रेन कर सकते हो। पर प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे तब तक धमाल ही धमाल, कमाल ही कमाल। आगे बढ़ते हैं। नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं इस समय? हमारे पिछले पार्टिसिपेंट्स ने ऐसी ऐसी बातें शेयर करी थी कि हमारे रोंगटे कई बार खड़े हो जाते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उस बारे में सोचते थे, डरते थे कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और आप सोच रहे हो, आप अगर ये सोच रहे हो कि जो आपको नहीं चाहिए तो आप वो अट्रैक्ट करोगे, अगर आप वो सोच रहे हो जो आपको चाहिए तो आप वो अट्रैक्ट करोगे। तो आपको आज से ही चूज करना है, ये आज से आपका असाइनमेंट है। एवरीवन बी अलर्ट। असाइनमेंट क्या है? आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, क्या? या तो आप वो सोच रहे हो, बोल रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, या आप वो सोच रहे हो और बोल रहे हो जो आपको चाहिए। तो आज आपने पूरा दिन नोट करना है अपने सोचने को और बोलने को। कई बार आप सोचने को भी अपना ध्यान से नोट करेंगे तो पकड़ में आती है, और बोलना तो नोट में आता ही आता है। जैसे कि मैं इस समय बोलती हूँ, जैसे कोई आपके घर में बच्चे होंगे, पेपर एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो माँ कई बार बोल देती है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। कैन यू सी दैट? पढ़ ले क्या है? जो वो चाहती है कि बच्चा पढ़े, नहीं तो फेल हो जाएगा। ये क्या है? जो वो नहीं चाहती ना कि बच्चा फेल हो जाएगा, पर उसके मुंह से निकल गया कि अरे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो अब आपने इस चीज को कैसे करना है? ये बहुत गलत बात है जो उसने बोल दी, क्योंकि ये भी उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में मैनिफेस्ट कर दिया है। तो उसको क्या बोलना चाहिए था? पढ़ ले तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पढ़ ले भी वो चाहती है, और अच्छे नंबर बच्चे क्या है? ये भी वो चाहती है। तो बोलना भी वही है जो आप चाहते हो, और सोचना भी वही है जो आप चाहते हो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस साइंस? से यस। नहीं समझ आएगा तो एंड में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बारे में, बट अगर समझ आ गई है कि आप जो सोच रहे हो और बोल रहे हो, फील कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में वही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आज से बहुत कॉन्शियसली हम वही सोचेंगे, बोलेंगे, फील करेंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉजिकली इसने क्लियर कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आगे बढ़े। किन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रहीं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा,
और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया। आज हम जो भी जब आप कृतज्ञता तो यहाँ पर जो न्यूटन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लॉजिकली इस बात को एक्सप्लेन करते हैं क्या कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर आप इस समय कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वैसा ही उसका एक्शन जो अभी आपने किया उसका तो वो वाला एक्शन हो ही रहा है, पर वो घूम के भी वापिस आएगा। जैसे एक बॉल है, आपने बॉल को दीवार की तरफ मारा, तो आपने बॉल को दीवार की तरफ मारा, ये क्या था, एक्शन, पर वो बॉल वापिस आई, ये है उसका रिएक्शन। तो हमारी जिंदगी में जब हम कर्मों की दुनिया में, भागवत गीता इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कर्मों की दुनिया का, तो हर कर्म जो भी आपके आप जो कर्म कर रहे हैं वो एक बीज बो रहे हैं और ये जरूर आप तक घूम के आएगा फल, उसको कहते हैं कर्मों का फल। तो आपको जो मिल रहा है वो क्या है, फल, और जो आप कर रहे हो वो क्या है, कर्म। ठीक है, कर्मों और फलों की दुनिया है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। तो एक्शंस की और रिएक्शंस की दुनिया है। तो उन्होंने इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है न्यूटन ने, हमारे ग्रंथों ने अध्यात्म के तौर पे इसको प्रूव किया है कि हर चीज एक एक्शन और रिएक्शन है। आपके साथ जो आप कर रहे हो, अब मैं सोच रही हूँ, हाँ मतलब मैं एक्शन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मतलब एक्शन कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ मैं एक्शन कर रही हूँ, तो एक्शन कर रही हूँ हाँ, पर इसका एक विपरीत रिएक्शन भी आएगा, यानी घूम के मुझ तक वापिस आएगा। तो मैंने जो बीज बोए वैसे ही फल मुझ तक वापस आएंगे। तो जो मुझे मिल रहा है, मेरे साथ हैपन हो रहा है, कई बार लोग कहते हैं अरे मेरा पति मुझे बहुत डांटता है, याद रखिएगा जो आपके साथ हैपन हो रहा है वो घूम के वापस आया है, वो आपको रिएक्शन मिली है। जो आप कर रहे हो ये एक्शन है और जो मिल रहा है वो रिएक्शन है, यानी कि आपके साथ हैपनिंग हो रही है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम समझेंगे कि अगर ये एक्शंस और रिएक्शंस की दुनिया है तो मैं आज ही क्यों ना सचेत हो जाऊं, है ना, क्यों ना मैं अलर्ट हो जाऊं, अवेयर हो जाऊं और मैं वही बीज बोऊं जो मुझे फल खाने हैं, है ना भाई। जैसे फल खाने हैं वैसे बीज बोना शुरू कर दो ना फिर आज से। तो आपको कैसे बीज खाने, मतलब फल खाने है? कि आपका पति आपको बहुत प्यार करता है ना, तो अब इसके बीज बोएंगे, बीज बोएंगे मतलब उस बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे उस बारे में, अच्छा अच्छा थैंक यू करेंगे। आप बोलोगे थैंक यू क्यों करना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बीज बोने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कृतज्ञता आपको उस फीलिंग में लाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। सोचना तो ओके है, बोलना भी ओके है, परंतु सारी गेम फील करने की है। तो कृतज्ञता एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपके अंदर की बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स तक आपको पहुंचाने में हेल्प करती है। कैसे करती है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा बुक में, क्या उसके रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है, एनीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड और लर्नड बाय नाउ इन द बुक, तो आप नीचे प्रश्न में लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज हम हर रोज लास्ट के 10 मिनट्स आप क्वेश्चन आंसर्स को देंगे और उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट रूम ओपन करेंगे। ब्रेकआउट रूम ओपन करने का मतलब होता है आप वहां पे जाएंगे, आपके साथ रूम में यही ऑनलाइन रूम में 3-4 लोग और होंगे और आप शेयर करेंगे कि आज के चैप्टर में आपने क्या सीखा। तो अभी जो आज हमने सीखा, कोई भी जो 3 चीजें आपको समझ आई है वो आप वहां पे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसको बोलने से आपको वो चीज आपके अंदर रीइंस्टॉल हो जाती है कि हाँ आज आपके चैप्टर में आप ये सीख के गए हैं, ठीक है वहां। और कोई बात नहीं करनी, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, सिर्फ बताना है इन टूडेज चैप्टर माई टेक अवे इज दिस दिस दिस, ठीक है। डू यू हैव अ रीडर, डू हैव अ वॉलंटियर हु कैन रीड द क्वेश्चन टू मी, कोई और अंजलि जी सर, बताए क्वेश्चन।
मैम एक क्वेश्चन है, आई बिलीव इन मैजिक बट समटाइम्स माय लॉजिकल रीजनिंग ओवरपावर्स द मैजिक ऑफ पावर ऑफ मैजिक, कैन आई नेवर एक्सपीरियंस मैजिक? नहीं नहीं देखिए, आपका अगर लॉजिक आपके बीच में आ रहा है तो लॉजिक्स को, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है दिमाग, ठीक है, दिमाग हमारा लॉजिक्स मांगता है तो उसको लॉजिक्स दीजिए ना। आप उससे प्रश्न पूछिए कि मैडम ये लाइन लिखी है पर इस लाइन का मतलब क्या है, कि अच्छा ये इन्होंने बोला कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो मैडम इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको हो सकता है साइंटिफिकली या अध्यात्म में फिर आपको समझाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका ये मतलब है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है। देखिए आपका दिमाग एक बहुत ही कमाल का यंत्र होता है, अगर ये आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं करने दे रहा, क्यों? क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी एक चीज पे बिलीव करने की कोशिश करी है पर आप कुछ उसके अंदर रिजल्ट ऐसे आए जो आपको अनवॉन्टेड थे या आपको उसमें रिस्क था, तो आपका दिमाग इस समय आपको अलर्ट कर रहा है कि भैया तू इस चीज को बिलीव करने की कोशिश कर रहा है, पर ये सब बातें ऐसी ही होती हैं। पर आप जब उसको क्वेश्चंस के थ्रू उसको आंसर दोगे, याद रखिएगा लॉजिक्स हमेशा दो तरीके से सॉल्व होता है, प्रूफ से, प्रूफ मतलब तो कोई प्रूफ दीजिए उसको, है ना। तो जब लोग शेयरिंग्स कर रहे होते थोड़ा उसमें ज्यादा बैठिए आप, जो लोगों की अपनी पर्सनल शेयरिंग्स है। नंबर दो, आप जहां पे अटकते हो प्रश्न ढूंढिए, अपने दिमाग से पूछो कि अच्छा बता तेरी इस बुक में क्या ऐसा है जिसको तू बिलीव नहीं कर पा रहा, अभी जो आज हमने चैप्टर पढ़ा उसमें ऐसा क्या लिखा है जिसको तू बिलीव नहीं कर पा रहा, और जहां पे वो बिलीव नहीं कर रहा होगा आपका लॉजिक, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका मन, उसको पकड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लॉजिक के क्वेश्चन को लॉजिकली आंसर देने का, और एक बार उसको क्वेश्चन को आंसर मिल जाएगा वो शांत हो जाएगा, फिर वो कहेगा अच्छा चल गो अहेड गो अहेड। तो ये अंधविश्वासों की दुनिया नहीं है, है ना, ये कोई बेवकूफों की दुनिया है नहीं है, यहाँ पर हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जहां भी आप अटके प्लीज क्वेश्चन पूछिए साइंटिफिकली लॉजिकली। आई होप इट्स आंसर्ड। जब जब आप आंसर आपको मिल जाएगा ना, आपका ये लॉजिक कुछ शांत हो जाएगा। कमाल देखिएगा, कमाल का कमाल होता है ये हमारे, अब ये ना दुनिया सृष्टि ये प्रश्नों की दुनिया है, तो प्रश्न पूछिए, लॉजिक प्रश्नों को तो हम बहुत वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज लाइए अपने लॉजिकल क्वेश्चन एंड प्लीज अलाउ अस टू सपोर्ट यू इन एनी वे। थैंक यू वेरी मच। हाँ पूछे मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशनशिप क्या है? हाँ देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है समान समान को आकर्षित करता है, या आगे बढ़ते बढ़ते हम जो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में जाएंगे, ये एक अपनी साइंस है, ठीक है, और इसी साइंस के कई बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की अपनी साइंस है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, बच्चे किसे कहते हैं, ये बिलीव्स की दुनिया है। तो अब न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, बहुत सारे वास्तु हो गया, है ना, रेकी हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या है, एनर्जीज की चीजें होती हैं, एनर्जीज, ओके। और आगे बढ़ते बढ़ते जब तक आप 28वें चैप्टर तक आएंगे, आपको काफी कुछ अनफोल्ड होगा। क्या एस्ट्रोलॉजी मतलब कि एक वो दुनिया जहाँ पे हम ग्रह हो या प्लैनेट्स की दुनिया की बातें करते हैं, पर वो तो बाहर, आप बाहर यू फील कर रहे हैं ना बाहर है, जबकि वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, वो सब कुछ अंदर है। जब जब कहते हैं शनि की साढ़ शक्ति चल रही है, कभी सुना अगर आपने, तो शनि की साढ़ शक्ति चल रही है ना। साढ़ शक्ति का क्या मतलब होता है, शनि जो कि सूरज का चक्कर लेने में 7.5 साल लेता है, अर्थ जो सूरज का चक्कर लेने में 1 साल लेता है, तो वो 7.5 साल हमारा मतलब हमारे को वो 7.5 साल की तरह फील होगा उस बंदे को जिसपे शनि की साढ़ शक्ति आएगी। क्या मतलब हुआ कि इतने टाइम तक उस पर कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा जो कि थोड़ा सा लाइन से नीचे, यानी थोड़ा सा नेगेटिव होगा। शनि वहां पे ट्रेवल कर रहा है, उसका इफेक्ट इस बंदे पे क्यों आ रहा है, हाँ, और वो उससे उसके उसके साथ कैसे काम करे। आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत डेप्थ में इस बारे में बातचीत करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ, मतलब वो इसी हिस्ट्री के नीचे आ रहा है, उसके लिए आपको बाहर जाने की सोचना पड़ेगा। पर यहाँ पर हम साढ़ शक्ति को भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ में, उस टाइम पीरियड को भी कैसे आप रोशनी में ला सकते हो, वो हम सीखेंगे इस बुक के थ्रू, क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथों में है। इसके लिए आपको किसी बाहर जाने की या बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अपनी सोच से, अपने बोल से और अपनी फीलिंग से, इन तीन चीजों से आप कैसे अपने सारे ग्रहों को अपने फेवर में ला सकते हो, आप अपनी सारी दुनिया को, अपनी सारी की सारी जो भी आपके आसपास हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको प्रशिद्धत के साथ करते करते, ओके। हमने पास्ट में देखा है लोगों के बड़े बड़े जिन्होंने अंगूठियां पहनी होती हैं, रंग बिरंगी मतलब वो पत्थर है ना, वो स्टोन वाला जो होता है काम, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पहना होता है,
मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ है, अब जिस चीज पे बिलीव करेंगे वही सच बन जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि उससे भी ज्यादा फास्टर ये वाला काम करेगा जो आप सीखने वाले हो एक मंथ में, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये आपके अपने अपनी खुद की शिद्दत पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप में है दम तो करो, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपने आप को उन हालातों में ले आओगे जो आपके मन चाहे हालात है। तो कैसे करना है वो हम और डिटेल में बातें करेंगे अगले कुछ चैप्टर्स में। इज इट आंसर? Yes, ma'am. Ma'am Shikha ji ka question hai, how can I avoid negative thoughts that comes in my mind where most of the time I try to be positive and feel the gratitude? हाँ, और देखिए ये एक ना ऑटो एक चीज होती है जो ऑटो पायलट पे चल रही है। आप अपने थॉट्स को नहीं चेंज कर पाओगे, नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि थॉट्स ऑटोमेटिक है ना। कितने लोगों ने नोट किया अपने आप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ भी आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना लेना ना देना, पता नहीं कौन सा थॉट आ जाए एकदम से, तो ये ऑटोमेटिक होते हैं। उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। हमें गुरु ग्रंथ साहब जी में सिखाया जाता है कि ये जो मन है जो माया का गुलाम है, तो तुम सोचो कि तुम इसको कंट्रोल कर लोगे, तुम इसको अपने अपने कब्जे में ले लोगे। हाँ, लॉल्स लॉल्स मतलब बेवकूफ वाली बात है, नहीं कर पाओगे। तो अब करना क्या है, आपने उसके तरफ फोकस को हटाकर फोकस वहां लगाना है जो इस बुक के असाइनमेंट्स हैं, जो इस बुक में अब आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। आज का असाइनमेंट क्या है, पूरे दिन में अपने आप को कॉन्शियसली नोट करना है कि इस समय जो मैं सोच रही हूँ बोल रही हूँ या जो भी मैं कह रही हूँ कर रही हूँ, ये वो है जो मैं चाहती हूँ या वो है जो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगर वो है जो मैं चाहता हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यही मेरी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं वो बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यही आना शुरू हो जाएगा। तो आज आप नोट करोगे अपने आप को कि आपने कितनी बार अपने आप को वो कहते और सोचते हुए पाया जो आप चाहते हो, और कितनी बार वो सोचते और बोलते हुए पाया जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज आपका डे वन है, मतलब डे वन का असाइनमेंट है। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आएंगे, अलर्टनेस में आएंगे, अवेयरनेस में आएंगे। इन्होंने बहुत सही कहा कि मैं चाहती तो नहीं हूँ सोचना पूरा, पर मैं सोचती रहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। हाँ, इसका जवाब आगे आपको असाइनमेंट्स में मिलेगा प्रैक्टिस में, और ये आपके साथ नहीं है, हम सब इसी किश्ती पे सवार हैं। बाकी लोग बताओ, होता है ना ऐसा कि आप जानते हो आपने मैजिक बुक किया हुआ है तब भी आपके मुंह से कंप्लेंट निकल जाती है, से यस एग्री बोलो कि हमारे को तब भी हमारे मुंह से कंप्लेंट निकल जाती है, तब भी हम कई बार वो सोचते हुए पाए जाते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। हमें डर लग रहा है किसी चीज से, तब भी हम वही बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इसमें पैदा हुए हैं, हम इसमें इसी कंडीशनिंग में, इसी हालात में, इसी समाज में। हमें नहीं सिखाया किसी ने स्कूल में, यार कितनों को सिखाया था, नहीं सिखाया स्कूल में, नहीं सिखाया परिवार में, तो हमें नहीं पता, हमें अब आदतें वैसी पड़ गई हैं। अब हम 30 दिन में अपनी आदतों को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। और कैसे सुधारेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। तो आज बस अलर्टनेस की प्रैक्टिस करो, कल से हम असाइनमेंट शुरू करेंगे। इज इट आंसर? यस मैम। मैम 7-2 हो गए क्वेश्चंस और लेने। आज ओके एवरीवन, ये जो सेशन है हमारा 7 बजे हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपके कुछ प्रश्न है आप डाल सकते हैं, लिंक देंगे अभी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके तो उसमें जो भी कल आते ही सबसे पहले हम वही प्रश्न ले लेंगे, और अभी हम जाएंगे ब्रेकआउट रूम्स में, और ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू अंजलि फॉर बीइंग हियर। अंजलि तुम और मैं मेन रूम में रहेंगे, मेन रूम में रहेंगे, मतलब जो जो लोग ब्रेकआउट रूम में नहीं जाना चाहते, क्वेश्चंस हैं जिनके, वो मेन रूम में ही रहे, वहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। जिनके क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, आंसर्स कंप्लीट है, वो लोग अपने अपने ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और अपना टेक अवे शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेन रूम पे वो ही रहेंगे जिनके कोई प्रश्न है। अंजलि आप अपने प्रश्नों को संभाल के रखना। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, फॉर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो टू ब्रेकआउट रूम्स, वहां पे जाके आपने शेयर करना है योर टेक अवे, यानी कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा, आपने अपने लिए क्या क्या टेक अवे किया है। जस्ट शेयर 1 or 2 टेक अवेज फ्रॉम टुडे सेशन। लव यू ऑल, सी यू टुमारो। जिनके प्रश्न है वो इसी ग्रुप में यहाँ पर रहेंगे। यस अंजलि बताएं।